हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों, क्या हालचाल है? मोहतरम, हालचाल बहुत बुरा है हमारा। क्यों भैया, क्या हो गया? और वैसे अब है कौन भाई? मैं इस मुल्क का बहुत ही ज्यादा मेहनती शहरी हूँ। अच्छा अच्छा, मजदूर हो? अरे नहीं नहीं, एक तरह से बात आपकी ठीक है, बट मैं मजदूर नहीं, मैं टीचर हूँ। अरे सर 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 सर, सलूट है आपको सर सर। अरे उस्ताद जी, इधर किधर? भाईजान बस थोड़े से अपने दुखड़े सुनाने आया हूँ आपको। अरे उस्ताद जी, नाम बताया उस बंदे का, किसने परेशान किया आपको? उसकी ऐसी की जैसी करता हूँ जाके मैं। जिंदगी? अरे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, जिंदगी ने परेशान की है ना, अभी थोड़ी देर रुको। मैं यूं गया और यूं आया जिंदगी से निपट के। जी सही बोला था आपने, जिंदगी ने ऐसी की तैसी कर दी। अरे मोहतरम, ये क्या हाल बना लिया अपना? उस्ताद जी, 3 सेमेस्टर में फेल हो गया हूँ, जिंदगी ने ऐसी की तैसी कर दी है, चश्मा भी उल्टा पहन लिया मैंने। मैं क्या करूँ, मैं जिंदगी से लड़ने गया था, जिंदगी ने मेरी ले ली। मोहतरम, मैंने तो आपको बोला था कि जिंदगी किसी को नहीं छोड़ती है, फिर आप क्यों गए लड़ने उससे? उस्ताद जी, मेरा जो होना था हो गया, अब आप अपनी बात बताएं। चश्मा तो मेरा गया, अब इसी में काम चलाऊंगा मैं, आप मुझे बताएं कि क्या करना है। अरे मोहतरम, आपको बात क्या बताऊं, इतनी टफ रूटीन है, सुबह 6 बजे उठता हूँ। उस्ताद जी, सुबह सुबह उठना तो अच्छी बात है। मोहतरम बीच में ना बोले, मुझे अपनी बात कम्प्लीट करने दे। अच्छा अच्छा उस्ताद जी, नाराज क्यों हो रहे हैं? खलीलुर रहमान मत बने, आप आगे की कहानी सुनाए। सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि सुबह जल्दी स्कूल लगता है। 6 बजे सुबह मैं उठता हूँ, 7:30 बजे तक स्कूल लगता है और मैं वहाँ पर 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ, क्योंकि वहाँ पर अगर देर से पहुंचूंगा तो वहाँ पर बहुत गड़बड़ हो जाती है। उस्ताद जी, आप वो तो नहीं है जो नदियाँ नहरें और जंगल पार करके स्कूल जाते थे? मोहतरम बहुत ही ज्यादा मैं सलीके से आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, बीच में मत बोले, मुझे अपनी बात कम्प्लीट करने दे। टीचर हूँ क्या मतलब, मुझे गुस्सा नहीं आता? अच्छा अच्छा सर, भड़क क्यों रहे हो, मजाक कर रहा हूँ। बारह जब मैं 7:30 पे स्कूल पहुंच जाता हूं, तो उसके बाद शुरू होती है असली कहानी, और ठीक उसके आधे घंटे के बाद मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। क्यों उस्ताद जी, ऐसा क्यों? क्योंकि मोहतरम, जब एक वक्त में 40 बच्चे एक साथ शोर मचा रहे होते हैं तो दिमाग की दही बन जाती है। तो दही का खमीर बना लेते। अच्छा अच्छा, सॉरी, कंटिन्यू कर। बहरहाल फिर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक लगातार क्लासेस होती हैं, और फिर अलग अलग करके आधे घंटे का ब्रेक होता है, और उस ब्रेक के अंदर भी मैंने यही सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट कर देता हूँ कि आगे किस क्लास के अंदर जाके अपनी मत्थामारी करनी है। ना मोबाइल यूज करने की इजाजत है, ना बाहर से खाना मंगाने की। क्या मोबाइल चलाने की इजाजत नहीं है? हाँ जी मोहतरम, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर बात बात पे पर्पल भी लग जाता है। अरे उस्ताद जी, अब पर्पल क्या शे है, क्या कोई इंक शिंक लगा देते कपड़ों पे? अरे नहीं नहीं मोहतरम, पर्पल मींस सैलरी डिडक्शन। उस्ताद जी थोड़ी तफसील फरमाएंगे, समझ नहीं आ रहा है कुछ। मोहतरम बात कुछ ऐसी है कि अगर 3 दिन में लगातार लेट हो गया 1 मिनट से भी, तो मेरी पर्पल लग जाएगी, मीन्स मेरी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। 3 पर्पल यानी 1 दिन के पैसे गए। अबे तेरी, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। अरे उस्ताद जी बस करे, बहुत रोना आ रहा है मेरे को, आपकी दुखी दास्तान सुन के मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मोहतरम इतने दुखड़े सुन लिए तो आखिरी तो सुन के जाए। मुझे छुट्टी होती है 2 बजे, निकलते निकलते स्कूल से हो जाते हैं 2:30 बजे, घर पहुँचते पहुँचते मुझे 3 बज जाते हैं। चलो मतलब 3 बजे तक तो फ्री
हो ही जाते हो। अरे ऐसी किस्मत कहाँ, 3 बजे वहाँ से आने के बाद 1 घंटा रेस्ट करके मैं कोचिंग चला जाता हूँ और कोचिंग से आता हूँ 8 बजे। चलो 3 नहीं 8 बजे तक तो फ्री हो ही जाते होगे। अरे नहीं नहीं मोहतरम, 8 बजे के बाद तो मेरी ग्राफिक्स की क्लास शुरू होती है और वो चलती है 10-10:30 बजे तक। अच्छा उसके बाद कहाँ जाते हैं फिर? अरे बस बस भाईजान क्या हो गया, बस 11 बजे फ्री हो जाता हूँ, 11 बजे ये मेरा लास्ट है, 11 बजे मैं बिल्कुल फ्री हो जाता हूँ। अरे यार आप तो बड़े हैवी टीचर हो यार, आप तो बड़े काम एक साथ सारे काम चला रहे होते हो, आपकी तो सैलरी भी बहुत ज्यादा होगी फिर। हाँ भाईजान सिर्फ 17,000। अरे यार ना करो उस्ताद जी, इतनी मेहनत के बाद इतने से पैसे। हाँ हाँ भाईजान बस ऐसे ही है, अब क्या बोल सकते हैं। मुझे देखो पूरा दिन मैं आराम करता हूँ, दुबई में मेरे मजे ही मजे हैं। आई बेटा जरा सब्जी वाले से धनिया तो ले आइयो। ये काट देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाने की कोशिश करूंगा मैं। तुम लोगों को पता चैनल पे कितनी मेहनत हो रही है, हफ्ते में 1 वीडियो जरूर आएगी इंशाल्लाह, बस तुम लोग सपोर्ट करते रहो। तो यार मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।